आईपीएल 2023 का फाइनल आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। रविवार को अहमदाबाद में बारिश की वजह से फाइनल आज रिजर्व डे पर खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को बारिश की वजह से खेल शुरू नहीं हो सका था। आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका है जब फाइनल रिजर्व डे के दिन खेला जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 10 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर रवाना होंगे। राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिल गया। दरअसल दिल्ली की एक अदालत से शुक्रवार को उन्हें एनओसी दे दी गई। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी कई कार्यक्रम, बैठक और सेमिनार में शिरकत करेंगे। प्रवासी भारतीय अमेरिकी थिंक टैंक यूएस कैपिटल के सांसदों सहित वॉल स्ट्रीट के अधिकारी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय मणिपुर दौरा। हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य के हिंसाग्रस्त इलाकों का भी कर सकते हैं दौरा। तनाव खत्म करने के लिए जातीय समूहों से भी करेंगे बातचीत। दिल्ली हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिर मलिक के भाग्य का करेगी फैसला। मलिक को मौत की सजा देने की एनआईए की अपील पर सुनवाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने भी दर्ज किया है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट बैंकों में बिना आईडी प्रूफ 2000 के नोट बदलने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनाएगा फैसला। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने बिना किसी पहचान पत्र के नोट बदलने के फैसले को चुनौती दी है। पीएम मोदी आज असम को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार को समर्थन देने के मसले पर कांग्रेस आज फैसला करेगी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस की अहम बैठक। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी आज देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। केंद्रीय मंत्री सभी राज्यों की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने 2024 आम चुनाव में गठबंधन के संकेत दिए हैं। शिवपाल ने कहा कि सपा सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यूपी में विधान परिषदों की 2 सीटों के लिए आज उपचुनाव होंगे। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। दोनों सीटों के लिए अलग अलग होगी वोटिंग। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे जाने के दौरान कातरज घाट पर फंसे बस यात्रियों की मदद की। बस खराब हो जाने की वजह से यात्री धूप में खड़े थे, जिन्हें देखकर सुप्रिया ने कुछ यात्रियों के लिए अपनी कार में लिफ्ट दी और कुछ को दूसरी बस से भेजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी विपक्षी दलों की बैठक। पटना में 12 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बैठक में हो सकती है शामिल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। गृहमंत्री शाह, पार्टी अध्यक्ष नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मीटिंग में शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार का वीर सावरकर की जयंती पर बड़ा ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को की घोषणा। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम होगा वीर सावरकर सेतु। महाराष्ट्र की सियासत में वीर सावरकर का अहम स्थान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अस्पताल में एडमिट आप नेता सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से गले मिलते तस्वीर ट्वीट की। दिल्ली सीएम ने कैप्शन में लिखा, बहादुर आदमी से मिला हीरो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 42 दिनों की जमानत पर छूटे सत्येंद्र जैन जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती हैं। 31 मई 2022 को गिरफ्तार किए गए जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को 6 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली के जंतर मंतर से पहलवानों का धरना जबरन खत्म। पुलिस ने धरना स्थल से पहलवानों के तंबुओं को हटाया। पंचायत के लिए नई संसद कूच के दौरान पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया। जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प। पहलवानों ने एक के बाद एक तोड़े सभी 4 बैरिकेड्स। पुलिस ने संसद के सामने पंचायत करने जा रहे पहलवानों को रोका। पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर लगाए बदसलूकी के आरोप। महिला पहलवानों को घसीटने का आरोप लगा। दिनेश फोगाट ने प्राइवेट वीडियो बनाने का लगाया गंभीर आरोप।
पहलवान बजरंग पुनिया को देर रात पुलिस हिरासत से छोड़ा गया। पुनिया ने कहा इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। पुलिस कार्रवाई को लेकर कहा क्या कोई सरकार देश के चैंपियन से ऐसा बर्ताव करती है? करने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेन कर रखे थे, गिरफ्तार कर रखे थे, तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। एक बार जाके मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। पहलवान दिनेश फोगाट ने धरना दे रहे पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज करने पर सवाल उठाए। ट्वीट कर पूछा, ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज होने में लगे 7 दिन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ 7 घंटे भी नहीं लगे। जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई को धरना दे रही साक्षी मलिक ने तानाशाही करार दिया। हिरासत से छूटने के बाद साक्षी मलिक ने कहा कि हम इंसाफ की लड़ाई के लिए फिर जंतर मंतर पर लौटेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों पर हुई पुलिस कार्रवाई को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बताया खेदजनक। चोपड़ा ने ट्वीट कर लिखा, मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर में किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में पहलवानों के समर्थन में धरना दिया गया। टिकैत ने कहा कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ उसी दिन महिला पहलवानों का अपमान भी हुआ। आंदोलन वैचारिक आंदोलन है, आंदोलन पूरा सक्सेसफुल हुआ। रेसलर के लिए है कि उन्होंने आंदोलन बढ़िया उन्होंने लड़ा और हम उस आंदोलन के साथ में खाप पंचायत और जो रेसलर कमेटी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ में हैं। राहुल गांधी ने पहलवानों और पुलिस झड़प का वीडियो पोस्ट किया। ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा, लिखा राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर, कुचल रहा जनता की आवाज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा, बीजेपी सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों के साथ मारपीट की उसकी कड़ी निंदा करती हूं। हमारे चैंपियंस के साथ इस तरह का व्यवहार शर्मनाक है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जंतर मंतर पर पहलवानों पर हुई कार्रवाई को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बताया। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर हुई कार्रवाई पर तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन सेंगोल झुक गया। नई संसद भवन का पीएम मोदी ने रविवार को उद्घाटन किया। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ बीच में ही नए भवन को स्थापित किया गया था सिंगोल। पीएम मोदी ने कहा नया संसद 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और भावनाओं का प्रतिबिंब है। एक भवन नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी सिंगोल के सामने दंडवत हुए। विधि विधान के साथ सिंगोल स्थापित हुआ। वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा हुई। उद्घाटन के मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने संसद भवन के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों का किया सम्मान, शॉल उड़ाकर सम्मानित कर स्मृति चिन्ह सौंपे। नई संसद के उद्घाटन पर देश को मिला नया सिक्का और डाक टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन से 75 रुपए के विशेष सिक्के जारी किए। इन सिक्कों को वित्त मंत्रालय ने तैयार किया है। नई संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर गिरी आरजेडी। आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पार्टी ट्वीट की जानकारी से इनकार, कहा देखने के बाद दूंगा प्रतिक्रिया। सुशील मोदी ने आरजेडी के ट्वीट पर साधा निशाना, कहा ताबूत का चित्र दिखाना अपमानजनक, सदन की कार्यवाही तो वहीं चलने वाली है कि आरजेडी नेता लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा हमारा सौभाग्य है अब नए संसद भवन में भी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी को देश में जो भी अच्छा होता है वो पसंद नहीं आता।
ओवैसी ने आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट पर कहा, आरजेडी का कोई स्टैंड ही नहीं, ताबूत क्यों कह रहे हैं, वो कोई और मिसाल भी दे सकते थे। नई संसद का उद्घाटन पूर्व पीएम नेहरू की पुण्यतिथि के अगले दिन होने से कांग्रेस को एतराज, पार्टी नेता विप्लव तिवारी ने कहा, सावरकर बीजेपी के नायक हो सकते हैं देश के नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों से झड़प में अब तक 40 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, पुलिस ने कई आतंकियों को अरेस्ट किया है, विद्रोही आम लोगों पर अत्याधुनिक हथियारों से उन्हें निशाना बना रहे हैं। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया, इस दौरान एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया, तस्कर के पास से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज पहली पुण्यतिथि, मानसा के जवाहर के में मूसेवाला के बुत लगाए जाने को लेकर विवाद, पंजाबी सिंगर को गोली मारे जाने के निशान जिस दीवार पर है वो मंदिर कमेटी की है, मूसेवाला स्मारक को ये दीवार सौंपने के मुद्दे पर मंदिर कमेटी की आज अहम बैठक। पाकिस्तान के सिंध में 250 हिंदुओं के गांव का जबरन धर्मांतरण कराया गया, सुजावल बादल गांव में जबरन सामूहिक धर्मांतरण का वीडियो सामने आया, जबरन मुस्लिम बनाए जाने के पीछे हाफिज गुलाम मोहम्मद शोहो का हाथ बताया जा रहा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पाकिस्तानी मूल की पत्नी ने पाकिस्तान सरकार से मदद की गुहार लगाई है, लाहौर में यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार से यासीन को बचाने की अपील की। रिसेप तैयब एर्दोगन एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव को जीत गए हैं, 28 मई को दूसरे चरण के मतदान में बाजी मारते हुए एर्दोगन लगातार 11वीं बार चुनाव जीते, एर्दोगन को 52.1% जबकि उनके प्रतिद्वंदी कमाल को 47.9% वोट मिले।